शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। कटे जा रहे थे, कटे भाग रही है। इस पे काकिसा का कोई दोष नहीं। मैंने इनसे कहा था भागने वास्ते, आप माफ कर दो। अरे मामा साहब सुना, दोनों को माफ कर दो। अरे तुम दोनों को तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मामा साहब आप इस सुनोरी को मारो और मैं इस रुक्मी को। ठीक है बाड़े। अरे भांजे, भांजे, अरे भांजे कहीं हो गया, अरे कहीं हो गया, भांजे, भांजे, भांजे ले ले, ले रुमाल, ले रुमाल, ले भांजे, ले, चलो। अरे भांजे, कटे गई हो? अरे ठीक है, भागिए भांजे, चल, 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 चल। आओ मामा। बैठो दोनों गाड़ी में। काकी से बैठो। अरे मामा साहब जल्दी चलो, इसके पहले वो हवेली पहुंच जाए, दोनों को मारना होगा। चल 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 चल। की गाड़ी गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीप सिंह ने हमें यहाँ आते हुए देख लिया हो और उस समय रुक्मी भी कहीं आसपास ही हो? सके आशु, हमें रुक्मी को यहीं ढूंढना होगा। हम उस कच्चे रास्ते से चलते हैं। अरे हमारी गाड़ी क्यों रोक दी? क्या चाहिए आपको? हमारे फार्म से दो औरतें चोरी करके भाग चुकी है। मैंने उसे आपकी गाड़ी में बैठते हुए देखा। बैठे हो? उन दोनों ने तो कहा कि उनके घर में कोई बीमार है, इस वास्ते हमने उनको बिठाया। पर वो दोनों है कट्ठे? अरे वो तो पिछले मोड़ पर ही उतर गई। हमें क्या पता कि वे दोनों चोरनियां थी, हमने तो मुसीबत की मारी समझ के मदद कर दी थी। चल भांजे, इन्होंने तो शराफत दिखाई है। चल जाने दे इनको, जाने दे, चलो जाओ जाओ जाओ। अरे ताओ रुक तो जाओ, डिक्की तो चेक करो। काई हम पे भरोसा ना है आपको? मामा साहब डिक्की चेक करो आप। हुँ?
भांजे में बोलियो तो ना, शरीफ लोग हैं, कुछ बेचने जा रहे हैं, चल छोड़ दे, जाने दे, चल 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 जाओ, तो जाओ वहीं लोग जाओ। बीच रास्ते में उतर के हमें चकमा दे गई। चल चल के ढूंढते हैं भांजे, आजा। कोई फायदा ना है मामा सा, वो सुनहरी है उसके साथ, ढूंढ के कोई फायदा ना, ना मिलेगी हमें। तब क्या करें भांजे? हवेली चलते हैं और कोई नई प्लानिंग करते हैं, ताकि उन दोनों पर किसी को भरोसा ना हो। चलो ठीक है भांजे, चल। आप क्या कह रही हैं जिज्जी? मारी तो कुछ समझ में ना आ रही हो है। भला रसाल कहीं जावेगी रुक्मी से मिलने? रसाल थारे को बेवकूफ बना रही, उसने तो पहले ही फोन पर रुक्मी से मिलने की जगह तय कर ली। वो तो हमारे को शक हो गया, इसलिए उसने मंदिर जाने का बहाना बनाया, वरना कटे गायब हो जाती वो। अरे जब उसे मंदिर ही जाना था तो वो हमारे साथ लौट कर क्यों ना आई? नाना जीजी, वो मंदिर ही गई है, वो जरूर परिक्रमा कर रही होगी, आपने ध्यान से ना देखा होगा जीजी। अरे तो देखने की बात कर रही है, मैंने मंदिर में इतनी परिक्रमा की है कि भगवान वास्ते करती तो वो भी हमारे को मिल जाते, पर थारी नींदनी ना मिली। मैंने तो उसे फोन भी लगाया था पर मारो फोन भी ना उठायो। जीजी मारा तो दिमाग ही ना काम कर रही हो है। जब रुक्मणी ने खुद यश के साथ जाने की चिट्ठी लिखकर भेज दियो है, तब रसाल काई उस मनहूस से संपर्क करना चाहे है, मारे को तो समझना है। तो अच्छी तरह से जाने है कि वो किस वास्ते कर रही है। तू ना जाने है कि रसाल की चाहे की चाहे जीजी? वो तो अपनी बहन रुक्मी को इंसाफ दिलाने की बातें आज भी करती है थारे छोरे से। ये पता कि वो रणवीर से कोई मोटी सी रकम लेके अपनी जीजी रुक्मी को दे दे, और एक तू है कि अपनी बिंदनी बिंदनी की माला जपे जा रही। आखिर है तो दोनों दरिद्र घर की छोरियां, पता नहीं दोनों मिलकर थारे बेटे के लिए क्या साजिश रच रही हूं। देख कमल, मैं तो इस खानदान की भलाई और थारे छोरे की भलाई वास्ते कह रही, पर थारे को अपनी बींदनी पर इतना अंधविश्वास है तो मैं क्या करूं? भाई मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, थारे को बताकर आगाह कर दिया। अब आगे थारी मर्जी क्या करना है। पर एक बात याद रखना कमल, इन सब चीजों का असर थारे छोरे पर भी होगा। उस बेचारे को तो मालूम भी ना है कि उसकी पीठ पीछे के हो रहा है। थारे को मारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तू खुद फोन लगाकर अपनी बीननी को पूछ कि वो महारानी है कठे। परेशान मत हो, दीप जरूर रुक्मी को कहीं और लेकर गया होगा, हम शायद उसकी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। कम ऑन। अब ताई सा हवेली पहुंच गई, तब भी हवेली से फोन आए हुए, पता नहीं अब हवेली में क्या हंगामा किया है उन्होंने। रसाल तुम बात कर लो और कहो कि तुम अभी भी मंदिर में ही हो। नाशु, जब तक जीजी का पता ना लग जावे हरे को किसी से कोई बात ना करे। चलो आशु, शायद जीजी दीप भाई साहब की गाड़ी में ही होगी। मारा फोन भी ना लियो रसाल ने। अरे जब वो हमारे को चकमा दे सके तो थारा फोन ना उठाकर उसने कौन सी नई बात कर दी? इस वक्त वो अपनी जीजी के साथ होगी तो थारा फोन कहीं उठाएगी? क्या करूं जीजी, रसाल ऐसो क्यों कर रही है? अरे कमर, उस रसाल ने ऐसा पहली बार थोड़ा ही ना किया है। याद है पिछली बार जब रुक्मी सवेली को छोड़कर चली गई थी, तब रसाल ने रणवीर को खुद मना कर रुक्मी को इस हवेली में वापस लेकर आई थी, और के बहाना बनाया था कि अगर गांव वालों को ये बात मालूम पड़ गई कि रुक्मी के पेट में यश का बच्चा है तो उसके माँ बापू की इज्जत चली जाएगी। पता ना, दोनों बहनें मिलकर इस बार थारे छोरे के लिए कौन सी साजिश रच रही होंगी।
ना जीजी, इस बार मैं चुप ना रहूंगी। अगर ये दोनों छोरियां मारे छोरे के खिलाफ चाल चल रही हैं, तो मैं भी इन्हें ऐसा ना करने दूंगी। मैं अभी फोन करती हूँ अनवीर ने। चलो, अब ये चिंगारी आग लगा ही देगी। हवेली से फोन। हेलो रणबीर, बस बहुत होगी अब। हर बात की कोई हद होवे है। रसाल को कोई हक ना है जो वो कर रही है। क्या बात है मां साहब, क्या किया रसाल ने? थारी बींदनी मंदिर का बहाना करके उस मनहूस रुक्मिणी को मिलने गई है। नहीं मां साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो रुक्मिणी से मिलने क्यों जाएगी? क्यों छोरे, कहीं तू जानबूझकर अपनी आंखें बंद करना चाहे? थारे को ना पता है कि चाहे रसाल उस रुक्मिणी के वास्ते थारे से। कमी की है तूने रसाल वास्ते, उसकी हर कही बात मानी है तने, और हमने भी उसे प्यार में कभी कोई कमी ना आने दी। मगर वो रसाल सिर्फ उस रुक्मणी वास्ते थारो जीनो दुभर करना चाहे। रणबीर तू घर आ जा और रसाल के लौटते ही आज तू फैसला ले ले। मैं तो हैरान हूं कि उसे अपने होने वाले बच्चे की भी फिक्र ना है। मां साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ रसाल से। आज के बाद वही होवेगा जो हम चाहेंगे, बोल देना ये रसाल से। जी। रसाल उस रुक्मिणी के वास्ते थारे से। जब तक आप रुक्मिणी जीजी ने उनको अधिकार ना दे दें, थारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं। अब रुक्मिणी से मिलने के लिए रसाल मंदिर से सीधा यश के घर ही गई होगी। हमने दीप का पीछा करने में बहुत देर कर दी, अब रुक्मिणी को कहां ढूंढेंगे? आगे अब मैं अपनी जीजी ने कभी ना देख पाऊंगी। जरूर दीप ऐसा ने मारी जीजी को। नहीं रसाल, अगर दीप को मारना ही होता तो उसे तहखाने में बंद करके नहीं रखता। हाँ उसने जगह जरूर बदल दी है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता। पर ये तू कैसे कह सके आशु? रसाल पहले तुम चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक तुम्हारे और रणवीर के बीच दरार पैदा करने के लिए दीप सिंह ने रुक्मिणी से वो सब कुछ करवाया, ताकि तुम्हें और रणवीर को तकलीफ हो, और कुछ हद तक उसे सफलता भी मिली। क्योंकि रुक्मिणी ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और रणवीर के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। अब हमें दीप पर और भी कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि सबसे पहले हम रुक्मिणी को उसके चंगुल से निकालें। मैं तुम्हें हवेली के आसपास छोड़ देता हूँ, तुम हवेली का हालचाल संभालो। और हाँ रसाल, तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दिया करो। तुम्हें पता है ना, तुम माँ बनने वाली हो। रुक्मिणी को कुछ नहीं होगा, मेरी बात पर भरोसा है ना? चलो। सुन छोरी, अब अठे दीप सिंह ना पहुंच सके है, पर हवेली जाते समय सावधान रहना, नहीं तो फिर से
दीप सिंह अगवा कर लेगा थारे को। ना काकी सा, मैं हवेली ना जाने वाली हूँ। पर वट्ठे थारी बहन परेशान हो रही होवेगी थारे वास्ते। मैं हवेली जाकर अपनी बहन वास्ते कोई परेशानी ना खड़ी करना चाहूँ। पैसे भी हवेली में मारी किसी को कोई जरूरत ना है। एक मारी बहन है, उसकी खुशी में कोई विघ्न ना डालना चाहूँ मैं। देख रुक्मी, मारे को तो शहर जानो है। इस दीप सिंह ने बड़ी रकम देने को क्यों थो, पर अब वटे शहर में जाके नौकरी करके अपना गुजारा कर लूंगी। मैं चालू हूं अपनो ख्याल रखना हूं। काकी सा, आपको मारी वजह से दीप सिंह से रुपया ना मिले हुए, आप ये कंगन रख लो। शहर जाकर इन्हें बेचते ना, आप लोग घने रुपए मिल जाएंगे। क्यों छोरी, मारे माथे कोई पुण्य ना लगना देना चाहे तो? हाँ, जो तारे को छोरी कहने के बाद भी मारा आत्मा आपड़ो कराई सुनी करके ये कंगन रख रही है ना छोरी? ना काकी सा, आप मारे को गलत ना समझो। चाहे आप ना होती तो मैं न जाने कब तक उस तहखाने में बंद पड़ी रहती। और तू ना होती तो रकम के वास्ते मारे से जीवन में कितनो बड़ो पाप हो जातो। मने के पतो थो जिसकी रखवाली करने दीप सिंह ने मारे को यहाँ रखे है, वो मारी चोरी निकलेगी। आप ये कंगन रख लो, जे आप इन्हें स्वीकार कर लोगी तो मारे को घनी खुशी होगी। फिर तूने काकी साहब, आप इन्हें मारी निशानी समझ कर रख लो, अपनी छोरी की निशानी। काकी साहब, जीवन में मारे को बहुत निराशा मिली, आप मारे को निराश न करो। आशु, रुक्मी कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें ढूंढने के लिए रसाल भी मेरे साथ थी। आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो। आशु, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। पहले तुम हवेली चलो और वहां सबको बता दो कि दीप सिंह ने तुम्हें बंदी बना के रखा था, और ये बात रसाल को भी मालूम है तुम्हारी लिखी चिट्ठी की वजह से। लेकिन तुम्हारी सलामती की वजह से वो चुप रही। चलो हवेली। ना आशु, मैं हवेली ना जाना चाहूं कभी ना। कभी नहीं? और रसाल को तुम्हारी फिक्र है? वो उसी वास्ते तुम्हारे पास आई हूँ आशु। भारे को रसाल से बहुत जरूरी बात करनी है। तो अभी उसे फोन करके अठे बुला ले। ठीक है रुक्मी, तुम बहुत थकी और कमजोर लग रही हो। पहले अंदर चलकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर रसाल भी आ जाएगी। ठीक है? रुक्मी